प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को महाराष्ट्र में ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने 511 स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी लॉन्च किए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत की स्किल्ड युवाओं की डिमांड बढ़ रही है। बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पर सीनियर सिटीजन्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। वहाँ पर ट्रेंड युवा मुश्किल से मिल रहे हैं। इस बारे में किए गए सर्वे से पता चलता है कि दुनिया के 16 देश करीब 40 लाख स्किल्ड युवाओं को अपने देश में नौकरी देना चाहते हैं। इस देशों में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, टूरिज्म इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी और ट्रांसपोर्ट जैसे बहुत सारे सेक्टर हैं जहां आज विदेशों में बहुत डिमांड बढ़ रही है। कौशल विकास योजना के तहत अभी तक 1,30,00,000 से ज्यादा युवाओं को अनेक ट्रेड्स में ट्रेनिंग दी जा चुकी है। सरकार ने देश भर में सैकड़ों प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भी स्थापित किए हैं। साथियों, स्किल डेवलपमेंट के ऐसे प्रयासों से सामाजिक न्याय को भी बहुत बल मिला है। बाबा साहब अंबेडकर भी समाज के कमजोर वर्गों के कौशल विकास पर बहुत जोर देते हैं।